What is up guys, welcome back to another video, welcome back to another vlog. And I know कि सेम मूडी के अंदर तीसरा व्लॉग हो रहा है, बट क्या करें, हम गरीब हैं भाई, हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो तुम्हें अभी के लिए इसी में काम चलाना पड़ेगा. कपड़े चेंज होंगे बहुत जल्द होंगे. तो अभी तुम लोग ये पूछोगे कि मैंने सूटकेस क्यों निकाला हुआ है, तो मेरे पास इसका आंसर ये है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ. A few moments later. ये है मेरा 17th टेक इस फुटेज को रिकॉर्ड करने से. इससे पहले मैं कैमरा से रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रहा था, एंड भाई साहब हो ही नहीं रहा. कैमरा वॉज लाइक कि मैं तो आज लेंस फॉग करूँगा, तू तुझे रिकॉर्ड करने देता ही नहीं. तो फिर मैंने फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि रिकॉर्ड तो करना ही है, कंटेंट चाहिए. सो अभी के लिए मुझे ऐसा है कि मैं सामान मेरा फिर से सारा पैक कर रहा हूँ. उसका रीज़न ये है कि मेरे कॉलेज फिर से बंद हो चुके हैं, जैसे कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं एंड धीरे धीरे बढ़ रहे हैं चाहे, बट कॉलेज वालों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि कब बंद कर दें, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें. तो मेरा ये वाला सेमेस्टर पूरा का पूरा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे रह के अगर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ना तो कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे इस टाइम पे, वो भी सब घर चले गए हैं, मैं अकेला हूँ. तो इट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ पॉइंट, तो ना मैं प्रोजेक्ट्स कर सकता हूँ ना कुछ और. तो आई डिसाइडेड कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, अपना सारा बोरिया बिस्तरा सब पैक करके आराम से. तो अभी मैं वही पैक कर रहा हूँ. तो अभी के लिए तो ऐसा है कि मुझे सिर्फ मेरे कपड़े पैक करने, मेरा कैमरा गियर जो कि इस पूरे इन तीन कैबिनेट्स में है, एंड जूते भी इन्हीं के अंदर है, वो पैक करना है. और भी मेरे थोड़ा मोटा जो भी सामान है, जैसे ये ब्लैंकेट्स हो गए, ये भी मुझे साथ लेके जाने, सब कुछ मतलब मैं लेके जा रहा हूँ वापस घर, क्योंकि मैं अगले 6-7 महीने तो ऑब्वियसली कॉलेज नहीं खुलने वाले, तो मैं नहीं आ रहा वापस, तो यहाँ पे रखने का कोई पॉइंट नहीं है. 12 seconds later. So hey guys, हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे रूम के अंदर, क्योंकि सूरज अंकल को तो अब अपने शर्म आ गई थी हमसे कि अब ध्रुव ऊपर आ गए, मैं तो अपनी शक्ल नहीं दिखा था, तो मतलब बादलों के पीछे जाके छुप ही गया. एक मिनट कह दो, एक मिनट उसने धूप नहीं दी है मुझे, सिर्फ गिनती के 5 मिनट में धूप में बैठा हूँ, और उसके बाद पूरे सूरज को बादलों ने कवर कर दिया. आई मीन वॉट इज दिस हैपनिंग, मतलब मेरी किस्मत है कैसी भाई. चलो एनीवेज, तो पिछले 1.5 घंटे से मैं पैकिंग कर रहा हूँ, और मेरी पैकिंग मतलब 99% कम्प्लीट हो चुकी है. 1% में बस वही सामान है कि ये जैसे एक बेडशीट है, एक वो पीछे रजाई है, ये मैं सुबह यूज जब उठूँगा नहा धो के फिर इनको बस मैं इनको समेटना है. बाकी मतलब मेरा 99% सारा सामान पैक हो चुका है. इवन मेरे रूममेट का भी थोड़ा सामान था, वो भी मैंने पैक कर दिया है. बट थोड़ी सी एक दिक्कत भी आई है. तो हाँ भाई, तुम्हें मैं बताता हूँ कि दिक्कत आई क्या है. एक्चुअली मेरे पास सामान बहुत सारा है, बट उनको पैक करने के लिए सूटकेसेस मेरे पास 2 एंड 4 ऐसे छोटे बैग्स हैं मेरे पास, जो बैकपैक्स होते हैं वो वाले हैं. तो मतलब सामान मेरे पास तो है इतना सारा, एंड उनको सिर्फ कैरी करने के लिए मेरे पास 1-2 ये 2 सूटकेसेस हैं, बाकी 3-4 ये छोटे छोटे बैग्स हैं, जिनमें कि ऑब्वियसली ये अगर शू बॉक्सेस हो गए या फिर ये जैसे कैमरा के इक्विपमेंट हो गए वगैरह वगैरह, ये नहीं आएगा. तो इवन मैंने किचन का भी सामान ऐसे एक ऐसे थैले में पेपर बैग में डाला हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फट सकता है रास्ते के अंदर या ख़राब हो सकता है. तो मतलब जुगाड़ से मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें पैक तो कर दी है, बट मेरा प्लान ये था कि अगर ये सब चीज़ें एक गत्ते के बॉक्स में, यानी कि कार्टन के अंदर, एक बड़े कार्टन के अंदर अगर फिट हो जाती तो मेरे लिए कैरी करना ईजी हो जाता, क्योंकि मैं कल कार में जा रहा हूँ, एंड जब बूट के अंदर वो सामान सारा सेट करेंगे तो मे बी प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, या फिर मतलब जब उनको उतारूंगा उस टाइम पे हो सकता है कि कोई सामान टूट जाए या इधर उधर हो जाए. तो बस उसी चीज़ की मुझे दिक्कत लग रही है. बाकी मतलब सामान मेरा सारा लगभग फिट हो चुका है, सारा 99% मेरी सारी मैंने चीज़ें पैक कर दी है. तो बस अभी के लिए सीन्स कुछ ऐसे ही हैं, एंड सुबह मैं ऑलमोस्ट 11 बजे निकल जाऊँगा यहाँ से, तो मे बी इसके बाद मैं सुबह का ही सीन डालने वाला हूँ. तो सी यू 12 seconds later. So guys, मैं वापस आ चुका हूँ, एंड it's a big time to reveal something that I was looking since morning, and that is finally glass wire dukan pe jana worth it raha, mujhe box mil gaya hai. To finally ab mera sara ka sara saman jo isme fit kar paunga acche se and secure rahega. So now that means you have to like this video. Aur abhi I know ye kuch bhi aise box jaisa dikh nahi raha hai, to ab isko box jaisa banate hain. हमारा बॉक्स जो है वो बन के अब बॉक्स जैसा लग रहा है. ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है, मतलब ऐसे बस एक 3-4 टेप्स की लेयर ही लगाई है,
बाकी आई थिंक इतनी ठंड के अंदर ठंडे फर्श पर बैठने इज नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं खड़े हुए था। तो गाइस अब फाइनली आई कैन से कि हाँ नाउ माय पैकिंग इज डन, कम्प्लीटली डन, 100% डन, क्योंकि ये बॉक्स में मेरा मेजॉरिटी ऑफ सामान जो कि बिखरा पड़ा था तुम्हें मैंने अभी दिखाया था वो फिट आ गया एंड बस दैट्स इट। अब मुझे कैरी करने में कोई इशू नहीं होगा, गाड़ी में भी जब जाऊँगा रास्ते के अंदर सामान ऐसे टूटने का या फिर कोई भी चीज़ बिखरने का इधर उधर होने का कोई डर नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग टू हैपन, मतलब ग्रेट सक्सेस यार, डब्बा काम आया, जाके लास्ट दुकान पे ट्राई किया तो आया, काम आया डब्बा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे और आज मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो फाइनली अभी हम लोग इसको टाटा वाई करेंगे जलंधर को 6-7 महीने के लिए, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर मैं नहीं जाने वाला, बाकी कुछ पता नहीं यार, कुछ हो सकता है, बट मैं बहुत जल्दी नहीं आने वाला हूँ, आई नो दैट। तो बस यही है, तो अभी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ और आज मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, हुडी चेंज, जींस एंड ये वाले जूते पहने हैं, आई डोंट नो दिख रहे हैं कि नहीं, बट हाँ। सो बाल भी मेरे गीले हैं अभी, तो बार बार आपको क्या क्या आ रहे हैं, बट दैट्स इट, दैट्स अपडेट फॉर राइट नाउ, सी यू सून। तो अभी बस सिरसा हम पहुँचने वाले हैं, वो देखो 115 किलोमीटर रहा है और मतलब बीच में रास्ते में ट्रैफिक मिला था थोड़ी बहुत जगह पे, बट निकल गए। तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और लगेगा एंड मैं फाइनली घर पहुंच जाऊंगा। पीछे के सामान पूरा लोडेड है, ऐसे कंसी आगे की सीट तक आ चुका है एंड पीछे बूट में भी सारा सामान है, तो सामान बहुत ज़्यादा था। तो अभी बस तो मैं फाइनली जब मैं सिरसा पहुँचूँगा तभी मिलूँगा।